Assalamualaikum 7th class, ये आपका history का lecture है। हमने chapter number 5 struggle for Pakistan start किया था, जिसमें आपने लाहौर रेजोल्यूशन के बारे में पढ़ा, जो कि 23rd मार्च 1940 को पास हुई अंडर द प्रेजिडेंटशिप ऑफ कायदे आजम एट मिंटो पार्क, जिसमें मुसलमानों की बहुत बड़ी तादाद ने शिरकत की। जहाँ तक हमने स्टॉप किया था, अब उसके आगे से कंटिन्यू करते हैं। क्रिप्स प्रपोजल्स, क्रिप्स तजावीज। ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वार द पोजीशन ऑफ ब्रिटिश वाज वीक। दूसरी जंग अजीम के दौरान जो ब्रिटिश थे, अंग्रेज थे, उनकी पोजीशन वीक नजर आ रही थी एंड वाज अलार्म्ड एट द सक्सेसिव विक्ट्रीज ऑफ जापान, और जो जापान था उसका कब्जा होता हुआ नजर आ रहा था। इन दीज सर्कमस्टांसिस, इन हालात में ब्रिटिश गवर्नमेंट सेंट अ मिशन टू इंडिया। ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी, उन्होंने एक जो था एक मिशन भेजा इंडिया में इन 1942 अंडर सर स्टेफर्ड क्रिप्स। सर स्टेफर्ड क्रिप्स की जेर निगरानी उन्होंने एक मिशन भेजा 1942 में। इन ऑर्डर टू अचीव हिंदू मुस्लिम कंसेंसस ऑन सम कॉन्स्टिट्यूटेड अरेंजमेंट्स। अब ये जो उन्होंने एक मिशन भेजा, उसका मकसद क्या था? हिंदू मुस्लिम कंसेंसस जो है ये करने के लिए कि जो हिंदू और मुसलमान हैं वो उनकी इत्तफाके राय करने के लिए कि वो अपनी कॉन्स्टिट्यूट अरेंजमेंट्स के लिए जो वहाँ पर उन्होंने जो गवर्नमेंट बनानी थी उसके लिए जो है वो किसी बात पर मुत्तफिक हो जाए। क्रिप्स अराइव्ड इन दिल्ली एंड स्टार्टेड सीरीज ऑफ मीटिंग्स विद इंडियन लीडिंग पॉलिटिशियंस इंक्लूडिंग नेहरू, अबुल कलाम आजाद एंड कायदे आजम। क्रिप्स जो था वो दिल्ली में आया और उसने जो जो नुमाइंदे थे वहाँ के मुसलमान नुमाइंदे, इंडियन नुमाइंदे, उनके साथ उन्होंने मीटिंग स्टार्ट कर दी, जिनमें कौन से पॉलिटिशियंस थे? नेहरू, अबुल कलाम आजाद एंड कायदे आजम। इन द मीटिंग ही ट्राइड टू कन्विंस देम टू एक्सेप्ट हिज फॉलोइंग प्रपोजल्स। अब इस मीटिंग में वो क्या कोशिश कर रहा था कि वो उनको कन्विंस करे, उनको मोटिवेट करे कि वो इन प्रपोजल्स को मान जाएं। नंबर वन, ड्यूरिंग वॉर के जंग के दौरान द ब्रिटिश वुड रिटेन देयर होल्ड ऑन इंडिया, कि जो ब्रिटिश है, अंग्रेज हैं, वो अपना जो वहाँ पर कब्जा है इंडिया में वो बरकरार रखेंगे। अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वुड बी सेट अप एट द एंड ऑफ द वॉर, और जब जंग खत्म हो जाएगी तब वो अपने वहाँ पर जो है हुकूमत बना सकेंगे, अपना आइन बना सकेंगे। There would be a federal type of constitution. और वहाँ का जो आइन है वो वफाकी तर्ज का होगा। वफाकी तर्ज का आइन के जो गवर्नमेंट है वो अपने ऑर्डर्स देगी और उसके मुताबिक तमाम प्रोविंसेस में उसको फुलफिल किया जाएगा। और वहाँ की गवर्नमेंट उस वक्त किसकी थी? ब्रिटिश की। In which provinces and states would be included, जिसमें प्रोविंसेस जो सूबे थे और जो स्टेट्स थी वो तमाम रियासतें वो भी उसमें शामिल होंगी। There would be a provision in constitution, और उस constitution में ये शर्त भी रखी गई that provinces may separate themselves after 10 years. अब 10 साल के बाद जो थे वो अलग होकर अपनी सूबे, अपनी हुकूमत बना सकेंगे। In this way, इस तरह the separate provinces may establish their independent federation. इस तरह से जो है वो separate होने वाले provinces वो अपनी independent federation बना सकेंगे, but 10 years के बाद। ये क्रिप्स प्रपोजल जो था, जिस तरह इसका ओवरव्यू आपको पता चला कि क्या कि जब वहाँ पर ब्रिटिश को अपनी सब कॉन्टिनेंट में अपनी पोजीशन वीक होती नज़र आई, उन्हें नज़र आया कि अब जापान जो है वो वहाँ पर जो है फतह हासिल कर लेगा और जो ब्रिटिश हैं वो इस जंग में ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वार हार जाएंगे, तब उन्हें लग रहा था कि अब उन्हें यहाँ से जाना पड़ेगा सब कॉन्टिनेंट में। तो उन्होंने अपने आप को वहाँ पे थोड़ी देर अपना प्रोलोंग करने के लिए पीरियड, उन्होंने ये प्रपोजल्स, ये तजावीज भेजी थी ताकि कुछ देर और उनकी वहाँ पर सब कॉन्टिनेंट में हुकूमत बरकरार रहे। अब इसमें से ऑब्जेक्टिव मार्क कर ले, सेकेंड वर्ल्ड वार इसको ब्लॉक में कर ले अपने ऑब्जेक्टिव को, सेकेंड वर्ल्ड वार, गवर्नमेंट ब्रिटिश गवर्नमेंट 1942, सर स्टेफर्ड क्रिप्स, रिटेन 10 years, ये आपके ऑब्जेक्टिव हो गए। ये आपने पूरी लाइन को याद करना होता है और इसी तरह आपने इसको फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में, पहले ऊपर आप क्रिप्स प्रपोजल की हेडिंग दीजिएगा,
फिर उसको फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में लिख के फिर आपने ये जुबानी जो है ये अपनी शीट पे कर ले, ये जिस तरह से भी आपको आसानी लगती है जी। डिक्टेशन वर्ड है इसमें सक्सेसिव, एक डिक्टेशन वर्ड है, बाकी के ऑब्जेक्टिव्स हैं। अब इससे रिलेटेड जो हमारे क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं अब उनको देख लेते हैं। ये आपको शॉर्ट क्वेश्चंस स्टार्ट करवाए थे। क्वेश्चन नंबर 1, व्हेन एंड वेयर एनुअल सेशन ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज हेल्ड, पेज नंबर 54। द एनुअल सेशन ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज हेल्ड फ्रॉम 22nd मार्च टू 24 मार्च 1940 अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ कायदे आजम एट मिंटो पार्क लाहौर इन विच अ लार्ज नंबर ऑफ मुस्लिम्स पार्टिसिपेटेड। ये क्वेश्चन आपको मार्क भी करवाए थे बट वन लास्ट वीक की डायरी में आपके ये क्वेश्चन जा चुके हैं बट रिवीजन अब साथ साथ करवा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ये जो आज हमने रीडिंग की है उसी से रिलेटेड आपका क्वेश्चन, व्हेन डिड क्रिप्स अराइव्ड इन दिल्ली, क्रिप्स अराइव्ड इन दिल्ली ऑन मार्च 22nd 1942। क्वेश्चन नंबर 3 भी इसी से रिलेटेड है, विच पॉलिटिशियंस हैड हेल्ड मीटिंग विद क्रिप्स, नेहरू, अबुल कलाम आजाद एंड कायदे आजम। ये 3 आज की आपकी डायरी में ये 3 क्वेश्चंस शॉर्ट क्वेश्चन हो गए, ये आपने याद करके अपनी शीट पे लिखने हैं और आपके क्रिप्स प्रपोजल के ऑब्जेक्टिव और डिक्टेशन। साथ साथ आपने ये याद करके 7 क्लास अपने शीट्स पे लाजमी लिखना है, जब आप स्कूल आएंगे तो आपका ये काम चेक किया जाएगा। अल्लाह हाफिज़।